अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं झटपट इजी आलू कटलेट, वो भी हमारे स्टाइल में। इतना मज़े का बना है कि शाम के स्नैक्स में बनाओ तो बहुत ही बढ़िया, बच्चों को भी पसंद और हमारा भी पसंद। चलिए अभी बनाना शुरू करेंगे आलू कटलेट। चलिए अभी बनाना शुरू करेंगे। हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, पुदीना, धनिया पत्ता, ब्रेड क्रम, मैदा 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, पेपर पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, येलो पाउडर आधा टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिल्ली 1 बारीक कटा हुआ, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून और अजवाइन 1 टीस्पून। अभी हम बनाना शुरू करेंगे। अभी हमें आलू को मैश करेंगे। इसमें अभी सारे मसालों को डाल देंगे। इसमें भी डालेंगे कॉर्नफ्लोर, पुदीना, धनिया पत्ता। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमारा डो बन के रेडी हो गया। इसे अभी हमें टिक्की बना देंगे। अभी हम थोड़ा सा हाथ को इस तरह पानी लगा के इसमें से टिक्कियाँ बना लेंगे। छोटा सा एक राउंड शेप बना लेंगे इस तरह। मैदे को भी इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा पानी से घोल लेंगे। इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। इस तरह से घोल बना लेंगे। हमें भी आलू की टिक्की को इसे हमें ब्रेड क्रम में रखेंगे। इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाएंगे। ये अभी गर्म हो चुका है। हमें इसमें टिक्की को डालेंगे। इसको हमें थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। इसे हमें अभी पलटाएंगे। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, क्योंकि आलू हमारा पका हुआ है ना, इसीलिए ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 आलू से, 4 मीडियम साइज के आलू से हमने 12 टिक्की बना लिए हैं। चलिए अभी सर्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।